सीहोर में संत गाड़गे महाराज रजक कल्याण समिति और धोबी समाज के लोगों के सहयोग से सीहोर नगर के कस्बा क्षेत्र में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक रमेश सक्सेना, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सन्नी महाराज, नगर पुरोहित पृथ्वी बल्लभ दुबे उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा संत गाड़गे महाराज की महाआरती के साथ हुई। कार्यक्रम के दौरान सक्सेना ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश को स्वच्छता का पाठ संत गाड़गे महाराज ने पढ़ाया। उन्होंने अपने समाज के साथ अन्य दूसरे समाज के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। अच्छी शिक्षा के कारण ही समाज के कई लोग उच्च पदों पर रहकर अपनी समाज का नाम देश भर में रोशन कर रहे हैं। आज बाबा गाड़गे का जो जयंती है, 23 फरवरी 1878 में उनका जन्म हुआ था। 1878 में 23 फरवरी को गाड़गे जी ने जन्म लिया था। वो संत थे जिन्होंने समाज को स्वच्छता और समानता का संदेश अपने कीर्तनों के द्वारा, अपने भजनों के द्वारा दिया था। ऐसे संत श्रोमणी गाड़गे जी का मैं बारंबार अभिनंदन करता हूँ। और समाज के लोगों से मेरा इतना कहना है कि उनके जो आदर्श थे उनका अनुकरण करें और समानता और स्वच्छता का जो संदेश उन्होंने अपने कीर्तनों में दिया है और समाज की एकता के लिए हमेशा उन्होंने प्रयास किया है, बनाया, उसने सबको समान दर्जा दिया है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को एक वोट देने का अधिकार है, वही हम सबको एक एक वोट देने का अधिकार है। संविधान में ये बात लिखी गई है। तो संविधान पर चला जाए, संविधान की रक्षा की जाए और संविधान एक सूत्र में चले, इसके लिए हम सब एक मत हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीहोर में संत गाड़गे महाराज रजक कल्याण समिति और धोबी समाज के लोगों के सहयोग से सीहोर नगर के कस्बा क्षेत्र में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, सीहोर।